नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी, मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों फिर से मेरे बच्चे कोचिंग में आए हुए हैं, तो मैं जो भी पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को बोर्ड पे सवाल को हल कराता हूँ कि देखे बच्चे टैलेंट है कि नहीं है। तो फिर मैं बारी बारी से अपने स्टूडेंट को बुलवाऊंगा और बोर्ड पे सवाल लगा करके देंगे। आइए, ये सवाल नंबर एक है, एक्स प्लस टू वाई का होल क्यूब, ये कैसे हल होगा, किस तरह होगा? तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अंकित कश्यप, आइए और सवाल को देखिए कैसे हल होगा। डरो नहीं, आराम से लगाओ सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां लग गया सवाल, ठीक है, यही रहो। कोई लड़के देखे, अर्चना कुमारी, अर्चना कुमारी बताओ, यह सवाल में कोई मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है बताओ, हट जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अब बताओ क्या मिस्टेक है। देखिए ये सवाल बिल्कुल सही है, ये लड़की सवाल को हल कर दी और ये अंकित जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं वीडियो के सामने खड़ा हूँ, तो ये कोई डीएम के सामने मैं खड़ा हूँ, अब लगता है डीएम साहब जेल में भेजेंगे, इनको ये लगता है कि डीएम साहब जो है अब तो जेल करेंगे, अब जेल में क्या होगा, लगता है मेरा बेल होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा लड़का डर गया है और डरने की वजह से ये सवाल जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं है अंकित, ये जो तुमने सवाल को मिस्टेक कर रहा था तो पहले फार्मूला पे जाना चाहिए। अर्चना सही है ना, देखो खा कर नहीं है हो क्या जी। और सबसे पहले तो हम फार्मूला पे जाएंगे ना, अपने दिमाग में देखेंगे फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये सूत्र है, इसी पे तो इसको रख देना है और रख करके गुणा करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, सवाल हमारा बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हुआ, इसके बाद
देखिए ये हमारा आंसर हुआ, तो ये सवाल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं से मिस्टेक नहीं है। चलिए इसके नाम पे ताली बजाइए एक बार। बस इसके बाद एक लड़की और चले। चलिए इसको बनाएगी गुड़िया, गुड़िया बनाएगी। चलिए आओ गुड़िया, इस सवाल को लगाओ तो कैसे लगता है। ये ब्रैकेट को ठीक से बनाओ, ये ब्रैकेट सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ब्रैकेट को सही करो। हाँ अब सही लग रहा है। चलिए देखो मिस्टेकिंग क्या है उसको देखना है और सवाल को करते जाना है, मिस्टेकिंग देखते जाना है फार्मूला से और सवाल को करते जाना है, करते जाओ। सही है, एक बार मिला लीजिएगा। सही है हाँ? सही, दो कलम दो। चलिए फिर एक बार मिला लो, नहीं तो अब की जो है ना तुमको मुर्गा बना करके और एक मंगाएंगे काला रंग और मुंह में पोतेंगे और दौड़ाएंगे पूरा फील्ड में, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, सजा देना पड़ेगा। चलिए बिपिन बताइए क्या ये सवाल सही है, सही है गलत नहीं ना है। चलिए ठीक है, ताली बजा दो। चलिए लग रहा है सारी मोछड़ को भगा दोगे, यहां से एक भी मोछड़ नहीं रहेगा, इतना तेज ताली पीटते हो हमको लगे कि कहीं भांगड़ा आया है क्या, ढीमी झामा ढीमी झामा ढीमी झामा। चलिए भाई ठीक है,
चले इसको हल करना है, बलराम बलराम चले, ये बलराम बनाएगा सवाल को, हंसो ना, ये बलराम लगा देगा सवाल को। देखिए बलिराम कि बलराम है, ये कैसे बनाया है, लग रहा है कोई मेला में बैलून बना दिया है, बैलून, ये बैलून की दुकान किया है क्या, देखो ओ मिठाओ उसको पहले, ये सही नहीं लग रहा है, करो करो करो, डरना नहीं है, आराम से लगाना है सवाल, समझ रहे हो, आराम से लगाना है, डरिएगा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई एग्जाम नहीं चल रहा है कि डर करके। हंसो ना, क्यों हंस रहे हो, हंसना है तो जोर से हंसो, क्यों हंस रहे हो, शांति से बैठे रहो, नहीं। नीतीश आइए, ये सवाल कहाँ फंसा हुआ है देख लो, तो नीतीश चलिए इधर आके बताओ, क्या सवाल सत्य है या गलत है, चलिए कैमरे पे आइए, कैमरे के पास आइए, बताओ सवाल गलत है कि सही है, बीपी
बोलो सवाल सही है कि गलत है? सही है। चलिए रंजीत, तुम्हारा रंजीत नाम? हाँ राहुल। राहुल बताइए सवाल सत्य है या गलत है? सही है। सही है, मैं नहीं मानूंगा, गुड़िया बताएगी तो मानूंगा। बोलो सही है। सही है, ठीक है, जाओ, बढ़िया है, बैठ जाओ। मैं बताया हूँ ना बात, मैं बताया हूँ ना कि यहाँ पे आराम आराम से करना है, यहाँ कोई बहुत बड़ा अधिकारी सब नहीं आए हैं, हम पढ़ाते हैं तो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, गलती होगा तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे हूँ, सुधारने के लिए ना मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सुधार कराऊंगा। ये जो लड़का सवाल लगाया है तो बलिराम ध्यान दो, ए बी सी डी ये 26 अक्षर जो इंग्लिश का है ना, तो अक्षर सही से लिखना सीख लो, ठीक ना। ये सवाल तुम्हारा बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये जो चार बनाए हो पावर फोर, ये चार सही से बनाओ, ये चार जैसे दिखाई दे, और ये ए लिखे हो, यहाँ पी भी लिखे हो तो थोड़ा ए पी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा अक्षर पे ध्यान दो। चलिए ये रहा इनका सवाल, इसके बाद मैं फिर अगला वीडियो मैं जो है फिर समय से बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।